राजस्थान के दौसा में तंबाकू मुक्त राजस्थान हो, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आगामी 100 दिनों तक तंबाकू के खिलाफ विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दौसा जिले में भी तंबाकू मुक्त दौसा बनाने के लिए जिला कलेक्ट्रेट के निर्देश पर चिकित्सा विभाग इस अभियान को सफल बनाने के प्रयास में जुटा हुआ है। आज दौसा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुभाष तिलोनिया ने प्रेस वार्ता करके बताया कि आगामी 100 दिनों की कार्य योजना तैयार कर ली है। इस कार्य योजना के तहत लोगों को जागरूक किया जाएगा और अलग अलग तरीके से कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को तंबाकू के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी देकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान प्रत्येक सरकारी विभाग और विभिन्न संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाएगा। CMHO ने बताया कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए सख्ती भी की जाएगी। ऐसे में दौसा को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए कोटपा अधिनियम के तहत पुलिस, नगर निकाय, पंचायत निकाय व चिकित्सा विभाग द्वारा कार्यवाही की जाएगी। मुक्त राजस्थान, पूरे राजस्थान में यह अभियान चलाया जा रहा है, उसी के तहत हमारे जिले में भी तंबाकू मुक्त राजस्थान की तरह, उसी की तर्ज पर तंबाकू मुक्त दौसा जिला के तहत हमारे यहाँ काफ़ी सारे प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। और ये 100 दिन की कार्य योजना है, इसमें लोगों को जागरूक किया जाएगा और तंबाकू निषेध के जितने भी जागरूकता कार्यक्रम हैं वो हम आयोजित किए जाएंगे। और हमारे जितने विभाग हैं उन विभागों को कलेक्टर साहब के माध्यम से, उनके सहयोग से, उनकी संस्थाओं को तंबाकू मुक्त करने के प्रयास किए जाएंगे। और जो कोर्ट पैक्ट है उसके तहत चालान किए जाएंगे। और तंबाकू मुक्त के लिए जो अभियान चलाया जाएगा उसमें सभी जो विभाग है उनसे हमारा पूरा सहयोग लिया जाएगा। चिकित्सा विभाग के जो प्रोग्राम होते हैं ज़्यादातर सफाई होते हैं, घोषणाएँ बड़ी बड़ी की जाती है लेकिन कुछ देखने को नहीं मिलता, कहीं घाट में देखने को मिलता है, तो क्या इस अभियान का असर भी यही होने वाला है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये एक विशेष अभियान चलाया जाएगा और इसमें कलेक्टर साहब से भी बात हो चुकी है और सभी जो विभाग है उनसे भी पूरा का पूरा सहयोग लिया जाएगा। और हम केवल चिकित्सा विभाग ही नहीं, सभी विभागों के सहयोग से और आम जनता। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।